आप सभी ने चौमिन तो खाई हो, लेकिन कितने रुपए? 10 रुपए की, 50 रुपए की, चलो ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा कितने की खाई होगी? 200 रुपए की खाई होगी। लेकिन क्या आपने एक चौमिन की प्लेट पे 1100 रुपए फूके? नहीं फूके। आज मैंने फूके। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक 10 रुपए की चौमिन, एक करीब करीब 200 रुपए की चौमिन और एक 1100 रुपए की चौमिन। इससे ज्यादा चौमिन अकेली ना पड़ जाए इसलिए हमने फ्राइड राइस भी जोड़ दिए हैं, जो भी 1100 रुपए के हैं। मतलब 2300 रुपए का फटका लगाया मैंने चौमिन और फ्राइड राइस ऑर्डर करने में। और कहाँ से ऑर्डर करा है? ललित से ऑर्डर करा है। जो इसके अंदर क्या है, इन बॉक्सेस की इनके अंदर जो ये बॉक्सेस हैं, इनके अंदर क्या निकलने वाला है, ये वीडियो में आगे आपको पता लगेगा। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं 10 रुपए की चौमिन से। तो ये देखिए, ये मिलती है रोड साइड, ये मिलती है स्कूल्स के बाहर और ये मिलती है वीकडे मार्केट्स में। बहुत फेमस है, बहुत भीड़ लगी रहती है, एकदम अनहाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है कई कई जगह। लेकिन कई जगह बहुत, जहां से हम लाए हैं वहां पे बड़े तरीके से बनाई जाती है। शक्ल इसकी बिल्कुल बढ़िया लग रही है, एक नंबर लग रही है और टेस्टी लग रही है। क्वांटिटी देखो कम मिलेगी, अब 10 रुपए में और क्या लोगे, महंगाई का जमाना है भाई। इसके अंदर वेजिटेबल्स डले हुए हैं और जो चौमिन के नूडल्स होते हैं वो है। बाकी टेस्ट कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। एक नंबर जी, मैं तो बचपन से देखो मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा सस्ती चौमिन ही खाता आ रहा है। मतलब हम तो 10 रुपए की चौमिन खाने के आदि हो चुके हैं और हमें तो ये बहुत पसंद है, ये स्टार्टिंग से ही। इसीलिए मैं देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि साला 1100 रुपए में ऐसा क्या माल दे रहे हो भाई जो हम 10 रुपए में ले आते हैं। देखेंगे वीडियो में और आपको दिखाता हूँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस 10-15 रुपए के मिल नहीं रहे थे कहीं से, तो हमने 5 रुपए के चावल खरीद लिए, 5 रुपए की सब्जियां खरीद ली और 2 रुपए हमारा लग गया सर्विस चार्ज। 12 रुपए के हमारे फ्राइड राइस तैयार हो, घर के बनाए हुए हैं, टेस्टी लग रहे हैं। हमारे देसी फैमिलीज में क्या होता है जी, आज दिन में चावल बच गए, रात को जी फ्राइड राइस तैयार हो गए, वही वैसे ही तैयार हुए हैं फ्राइड राइस। बड़ा हरामी हो जबरदस्त, 100 में से 100 मतलब इसका जवाब नहीं, जबरदस्त फ्राइड राइस भाई, बहुत टेस्टी, नेक्स्ट लेवल। चलिए आपको दिखाते हैं 150 रुपए के फ्राइड राइस और आपको दिखाते हैं 150 रुपए की चौमिन। अब देखो जैसे जैसे चौमिन प्रोग्रेस करती है ना, उसका नाम भी बढ़ता जाता है। अभी चौमिन हटकर हाका नूडल्स बन चुका है, उस क्लास में घुस रहे हैं। 150 रुपए के नूडल्स, 150 रुपए के फ्राइड राइस, इसको टेस्ट करते हैं। देखो जी मानता हूँ अब चौमिन हमारी महंगी हो गई, लेकिन सेटअप हमारा सस्ता ही है तो हम ट्राई करते हैं। दिखने गए सेटअप हमारा सस्ता है, हम तो इसी में ट्राई कर लेंगे। ये रहे हमारे नूडल्स जो कि आए हैं चाइनीज ब्रांड से, चाइनीज ब्रांड पे बहुत फेमस है ये आइटम, बहुत ज्यादा बिकती है हाका नूडल्स। अरे वाह, मुझे पनीर के टुकड़े दिख रहे हैं, मुझे शिमला मिर्च दिख रही है, अरे वाह मुझे तरह तरह के वेजिटेबल्स इसके अंदर दिख रहे हैं, बढ़िया है, मतलब पैसा वसूल दिख रहा है। अच्छा दूसरी चीज, आपके शहर में मिलता है चौमिन, फ्राइड राइस, हाका नूडल्स और आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बता। ये रहे हमारे फ्राइड राइस, शक्ल दोनों की एक जैसी लग रही है, बस एक में नूडल्स है तो एक में चावल है। देखो ये रहे हमारे नूडल्स जो की है 150 रुपए के, तो कहीं ना कहीं 150 रुपए में बहुत ज्यादा है एक प्लेट नूडल्स के ऊपर खर्च करने के लिए। क्वांटिटी जबकि मेरे को बहुत ज्यादा मिली है, तो 2-3 लोगों के लिए भी मुझे क्वांटिटी सफिशियंट लग रही है, 150 रुपए भी चलो चल जाएंगे। लेकिन 1100 रुपए तो बड़ा अनरियलिस्टिक प्राइस लगता है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, एटलीस्ट खाने की चीज का। पहले इसको टेस्ट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से कोई कमी पेशी नहीं है, मेरे हिसाब से चीज बहुत टेस्टी है। ये वेज में है, चिकन हाका नूडल्स वो और ज्यादा टेस्टी है। फ्राइड राइस कैसा लग रहा है, एक नंबर लग रहा है भाई, पर मेरे घर वाले को तो उसको बिल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आई सी, बहुत है बढ़िया भाई। हमारे यहाँ तो वैसे भी ये रात चाइनीज बहुत मशहूर है और टेस्ट एक नंबर है, क्वांटिटी भी एक नंबर है और प्राइस भी एक नंबर है, तो ये मेरे हिसाब से एक नंबर। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं 1100 रुपए के हाका नूडल्स और 1100 रुपए के फ्राइड राइस। तैयार हो? बाहर मुझे ऐसे कोई ब्रांडिंग नहीं दिख रही है द ललित की, बट बिल मैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, बिल आपको पता लग जाएगा, वेरीफाई आपको हो जाएगा कि ये चीज 2300 रुपए की है। एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, पांचवा बॉक्स, छठा बॉक्स, सातवा बॉक्स। अच्छा मेरे लिए एक रोमांच की बात यह है कि चलो इनके साथ हमें ये क्या मिला था, थोड़ा सा हमें सिरका मिल गया था, हरी चटनी मिल गई थी, लेकिन इनके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डब्बों में क्या है भाई, 8 डब्बों में 2300 रुपए का माल है। टाडा, सोया सॉस जो पूरी नीचे धुल गई है, अलग से क्यों मिली है, बना के नहीं दी क्या, फिर बुले हुए दिन तो नहीं दिए नूडल्स, हेट भाई घर के तैयार कर लेना नूडल्स। वाह वाह, बाबू ये देख रहे हो, ये जो सजावट देख रहे हो इसके ऊपर, स्प्रिंग अनियन ये देख रहे हो बाबू, स्प्रिंग अनियन है, नॉर्मल अनियन है, ये कैबेज है, इसी का पैसा है वास्ते आपको काटते हैं ये सजावट के लिए। अगला, अच्छा आपके वहाँ कितने का मिलता है सारा सामान, नूडल्स कितने के मिलते हैं, चौमिन कितने की मिलती है, ये फ्राइड राइस कितने के मिलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा। अगला आइटम, कोई छोटा नहीं करते, थोड़ा सा
अखिल भाई, इसमें फ्राई कहाँ है? राइस दिख रहे हैं, ये देखो ये फ्राइड राइस थे, ये देखो ऐसा लग रहा है फ्राई भी हो रखे हैं, सब्जियां भी हैं, प्याज भी है, खाली चावल उबाल के उसके ऊपर स्प्रिंग अनियन छिड़क दिए भाई बस। और क्या दाम था इनका? 1100 रुपया, 875 रुपया, दो डब्बों में भर के दिए हैं, सेम साइज के डब्बे हैं और दोनों के अंदर उबले हुए चावल हैं और ऊपर सब्जियां हैं। ये हुआ है फ्राइड राइस, 5 स्टार के फ्राइड राइस कैसे होते हैं देख लो आज। अच्छा ये भी नूडल्स है, नूडल्स के भी 2 डब्बे हैं, क्वांटिटी अच्छी है बट हमारे राज भाई के सामने कहीं स्टैंड नहीं करती, बंदे का हाथ दूर जहर उठाकर। ये देखो अब इसके अंदर क्या है, सलाद है, चटनी है किसी प्रकार की, मेरे ख्याल से ना ये फ्राई करने के लिए फ्राई इन्होंने करा नहीं बट इन्होंने चटनी दे दी है भाई, ये मेरे ख्याल से चावल वगैरह में मिक्स करके कि मतलब इसके साथ आई है। अबे उनको लगा हम फ्राई व्राई करने पे इतना टाइम नहीं हमारे पास, हमारे वीआईपी कस्टमर वेट कर रहे हैं, चटनी पकड़ो और अपना सिरका, इसे बनाने में लोगों ने 2.5 घंटे लगाए। तो रॉ इंग्रेडिएंट्स है भाई, तो मिक्स कौन करेगा, पैसा इतना ले लिया है, सामान मिक्स करके नहीं दिया, पूरे तरीके से बना के नहीं दिया हमको, हाँ सर्विस चार्ज भी ले लिया है 500 रुपया आराम से, सर्विस चार्ज की बात का अगर तुमने सारा सामान ही ऐसे देना था कि हमें खुद बनाना है, चलो कुछ नहीं होता ट्राई करके देखते हैं, क्या खाऊं मेरे शक्ल लेख के मन नहीं कर रहा। चलो भाई 1100 रुपया फूटा है तो अब अंदर तो डालना पड़ेगा, ये रहे नूडल्स, ये रहा हमारा चम्मच, लग रहा सामान पकाना भूल गए, हल्का सा उबाला दिलवाया नूडल्स को और सामान छिड़क के। चलो भाई जयराम जी की, आपको शक्ल से ही पता लग रहा होगा नूडल्स बिल्कुल फीके है, चीज में कोई दम नहीं है, स्पाइसेस नहीं है भाई, हम देसी लोग हैं। मेरे ख्याल से चक्कर यही है कि वहां पर जो उनकी टारगेट ऑडियंस है ना वो वही है जो फॉरेनर्स आते हैं, जो कम स्पाइसेस पसंद करते हैं, जो रिच क्लास अपने आप को समझती है ना कि नाउ नो आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, वो वाले कस्टमर्स है, क्योंकि हमारे टेस्ट का तो नहीं भाई, हमें तो एक बाबू हमें एक बारी बाहर का खाना है तो हमें चटपटा खाना है, तो भाई घर जाके हम पानी पानी ऐसे कर रहे होने चाहिए, ऐसा खाना खाना है हमें, ये नहीं खाना है हमें, फीका बिल्कुल मजा नहीं आया, टोटली डिसअपॉइंटेड। 1100 रुपए। अगला चावल, क्या टेस्ट करूं भाई इसको, एक उबले हुए चावल है लिटरली, इसके अंदर कुछ नहीं है, चलो इसको थोड़ा सा चटनी के साथ ट्राई कर लेता हूं, चटनी इसमें मिक्स कर देता हूं, सब डाल देते हैं चावल, ये लो थोड़ा सा सिरका भी डाल देते हैं, आज साला हम ही बना लेंगे, शेफ रखा इसलिए अगर सामान सब बनाना ही हमें आता, मेरे को डर ये लग रहा है पिछली समोसे की वीडियो के बाद, पाव भाजी की वीडियो के बाद अब ललित से कॉल ना आ जाए, हाँ बाबू ये जो हो रहे हैं तुम्हारे रिव्यू उनको बंद कर दे, बंद जल्दी है जल्दी। एक समरी बताऊं तो पैसा वेस्ट, वर्थ नहीं है अपने प्राइस के हिसाब से, माना हाइजीन होगा, कम स्पाइसेस होंगे बट 1100 रुपए के लिए वर्थ नहीं है भाई, आपके हिसाब से 1100 रुपए इसके ऊपर खर्च करना सही है तो कमेंट करके बताओ, और आपके पास मेरे लिए कोई सलाह है कि मुझे अगली वीडियो में क्या ट्राई करना चाहिए ऐसे ही चीप मीडियम एक्सपेंसिव तो वो भी कमेंट करके बताओ, मैं तब तक ये निपटाने की कोशिश करता हूँ कि वह पैसे लगाए तो खाना तो पड़ेगा, और मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज आयुष, टेक केयर, बाय बाय। उदय राहुल आ जाओ भाई, पैसा वसूल करवा दो मेरा, आया आया आ गए।